हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड इट्स यूज, और न्यूटन्स लॉ में हम लोग इसका यूज करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, न्यूटन्स लॉ चैप्टर से पहले सेंटर ऑफ मास तो दिया नहीं है, फिर न्यूटन्स लॉ में सेंटर ऑफ मास कैसे यूज करते हैं। क्या है कि जो न्यूटन्स लॉज है उनका एक लिमिटेशन है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सबका लिमिटेशन क्या है कि दिस लॉज आर एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। मतलब मास चाहे कुछ भी हो, साइज उसका मस्ट बी वेरी स्मॉल, पॉइंट मासेस। दैट मीन्स यू कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ टू ए पॉइंट वेयर ऑल द मास आर कंसेंट्रेटेड, मीन्स दैट इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। तो न्यूटन्स लॉ को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास क्या है। ये सेंटर ऑफ मास आपको रोटेशनल डायनेमिक्स के पहले दिया गया है, वहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन दोनों को यूज करने के लिए सेंटर ऑफ मास दिया गया है, जबकि ट्रांसलेटरी मोशन में भी उसका अपना सिग्निफिकेंस है। और इस आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बट देन प्रॉपर तरीके से सोचोगे तो MCQ बन जाएंगे, ओरल आंसर बन जाएगा, और एल्स आपको लंबा कैलकुलेट करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, इजी है चैप्टर, बस दिमाग में ये बैठा के शुरू करो कि आज की क्लास बहुत इजी है, समझ में बहुत जल्दी जल्दी आएगा। क्या है सेंटर ऑफ मास? सबको मालूम है, इट इज द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी can be assumed to be concentrated। ये एक पॉइंट है जहां पर हम अस्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा मास कंसेंट्रेटेड है। ऑब्वियसली जहां पर सारा मास कंसेंट्रेटेड है वहां पर सारा वेट भी आ रहा होगा। अगर कोई यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों बराबर है। तो ये चीज याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड्स, सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यू आर वर्किंग इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे ये रूम में हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर है। हाँ, अगर बहुत ऊपर चले जाएंगे तो जी का वेरिएशन होगा, वो अलग बात है, बट नॉर्मली हियर एट लेवल, एट दिस लेवल यू विल सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम एज सेंटर ऑफ मास। तो ये जानकारी होने से हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जानने में थोड़ा आसान होता है। कैसे लोकेशन पता करेंगे? करेंगे कि ऐसे, पॉइंट नंबर 3, इट इज और फॉर ए यूनिफॉर्म लैमिनार बॉडी हो या ना हो, फॉर ए यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर हर जगह डेंसिटी बराबर होगा बॉडी, सेंटर ऑफ मास इज, सेंटर ऑफ मास इज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। कोई अगर रेगुलर बॉडी है और यूनिफॉर्मली मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस होमोजेनियस बॉडी है, डेंसिटी सेम एवरीवेयर, तो इट इज एट द ज्योमेट्रिक सेंटर। यू नो वेरी मच कि आपको कोई स्टेटमेंट तो पूछेगा नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। से आई हैव ए डिस्क, इफ आई हैव ए डिस्क
obviously the center of mass is going to be at the geometric center, means somewhere here. If you have a square, obviously the center of mass is going to be at the intersection of the diagonals. ये हुआ एक geometric center. Center of mass is somewhere here. I'm showing this for laminar bodies only. Suppose you have got a triangle. आपके पास कोई एक ट्रायंगल है और उसका पता करना है वेयर इज द सेंटर ऑफ मास. तो यू नो हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल. तो क्या करना होता है, यहाँ पर आपको ये एंड से इसका मिड पॉइंट को जोड़ना होता है, ये एंड से इसका मिड पॉइंट को जोड़ना होता है. रेवर दिस मीडियंस कट दैट इज द सेंट्रॉइड, एंड दैट सेंट्रॉइड जो हम लोग मेथड पे पढ़ रहे थे, इट इज इंडिकेटिंग द सेंटर ऑफ मास लेमिनार बॉडी के लिए. अगर थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक सेंटर आपको निकालने का तरीका मालूम होना चाहिए. तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहां पर होगा सेंटर ऑफ मास. इन जनरल आप देख रहे हो कि सेंटर ऑफ मास इज सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. मान लो कि ये पेन का मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना है, एंड यू सी दी मासेस आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. यहाँ पर कुछ ज़्यादा मोटा दिख रहा है, यहाँ पर पतला दिख रहा है. तो हमें ये पता करना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ है वहाँ पर सेंटर ऑफ मास है. पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिव. अगर ये पेन को मैं ऐसे सपोर्ट दे के इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करता हूँ तो आई फाइंड एट दिस पोजिशन द पेन कैन बी हेल्ड इन इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट आर द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पेन, वन इज the weight of the pen, the other is the normal reaction of my fingertip. Two forces are acting on the pen is at rest, means the two forces must be equal and opposite. Not only that, they must be acting along the same line. अगर मेरा normal reaction ऊपर की तरफ है तो उसी line पे ही center of gravity नीचे आ रहा होगा. Two equal and opposite forces not necessarily keep a body in equilibrium, they keep it in equilibrium only when they are acting along same line. इसका मतलब मेरा नॉर्मल रिएक्शन अगर यहाँ पर एक्ट कर रहा है तो वेट भी यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा. वेट अगर यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, एंड एज इट इज ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड यू से सेंटर ऑफ मास इज हियर. तो सेंटर ऑफ मास को यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में लोकेट करने का तरीका हुआ इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड the point where it can be held in equilibrium with a single support. Single support देके जहां पर इसको हम equilibrium में रख सकते हैं वो center of gravity है. Of course that is center of mass because we are talking about uniform gravitational field. है ना. तो नोइंग दैट सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड समवेयर वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, ये काफ़ी आसान हो जाता है क्योंकि 99.99% न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे कि वी आर डीलिंग विद ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड. तो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालने की कुछ दूसरा तरीका सोचते हैं तो सोचो जैसे पहला वाला पॉइंट देखिए. In a uniform gravitational field, it is the point where it can be held in equilibrium with a single support. जैसे मैं आपको कुछ छोटा सा example देता हूँ, शायद जल्दी आपको समझ में आ जाएगा. ये कोई एक support है और इस support के ऊपर हमने दो block रखे हुए हैं. ये एक block है ना, और ये दूसरा block है. I'm giving you two different cases. This case and we'll see here. अब ये जो masses है, suppose हम कहेंगे कि ये जो mass रखा हुआ है यहाँ पर, suppose ये mass m है और ये mass भी m है. तो अगर इसको मैं एक single support देके equilibrium में रखना चाहता हूँ तो कैसे रखूँगा. Obviously the support must be somewhere at the midpoint. आपको दिख रहा है यहाँ पर देंगे तो ये equilibrium में रहेगा.
But suppose one mass is m here, one mass is m here, and other mass is 2m here, and I want to hold the system in equilibrium. तो मुझे जो अपना ये देना है सपोर्ट पॉइंट देना है कहाँ पे देना है 2m के पास देना है, मतलब जिधर को ज्यादा मास है वहां पर रहेगा सेंटर ऑफ मास, जिधर को ज्यादा मास है उधर को सेंटर ऑफ मास रहता है, मतलब जिधर को ज्यादा ग्रेविटी है उधर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है इसका वेट कम है। तो बाय मीन्स ऑफ एडजस्टिंग और सर्चिंग आउट ए पॉइंट वेयर इट कैन बी हेल्ड इन इक्विलिब्रियम वी कैन लोकेट द सेंटर ऑफ मास, मतलब ये पूरा अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, तो ये पूरा अरेंजमेंट का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है। ये फीलिंग में आ रहा होगा, खुशी सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, यू हैव नथिंग टू राइट, देख लो समझ लो चीज़ों को, सब कुछ लिखते लिखते हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मिस कर जाए, ये तो सब सिंपल चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट लगेगा आपको जो आपको पहले से मालूम नहीं है उसको लिखना है, सब कुछ क्यों लिखना है, क्या आपको मालूम नहीं है कि ये दो मास बराबर होगा तो यहाँ पे सपोर्ट देंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और ये दो मास अलग अलग है तो यू हैव टू गिव ए सपोर्ट क्लोज टू द हेवियर मास, यस, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू टू राइट ए कंपोजिशन ऑन सेंटर ऑफ मास, मेरा बात है कि मैं सारे पॉइंट्स को दिखाऊंगा तो उसके हिसाब से मैं न्यूमेरिकल में रखा हूं, जो पॉइंट्स आपको समझ में आता है उसको बहुत ज्यादा डिटेल्स में लिखने की जरूरत नहीं। अब मैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जानने के लिए आई कैन मेक यूज ऑफ ए अनदर टेक्निक ऑल्सो फॉर इरेगुलर शेप्ड बॉडीज, मान लो कि कोई बॉडी है जिसका इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, मतलब उसका शेप कोई रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप नहीं है, सपोजिंग आई से दिस इज व्हाट इज अ बॉडी एंड आई वांट टू नो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, आई सेड इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर, बट देन लेट अस थिंक अदरवाइज, सपोज ये जो मास हम देख रहे हैं इस मास को अगर मैं यहां से झुला देता हूं तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब क्यों इक्विलिब्रियम में रहेगा, बिकॉज देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, व्हाट आर द टू फोर्सेस, एक तो हुआ टेंशन इन द थ्रेड और अदर क्या हो गया द वेट, टू फोर्सेस आर कीपिंग द बॉडी इन इक्विलिब्रियम मींस द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल अपोजिट एंड मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है दैट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर ऑन दिस लाइन, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा होगा, कहाँ मालूम नहीं, कहीं होगा, हो सकता है यहाँ है, हो सकता है यहाँ है, तो ये से तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन पता नहीं चला, पता ये चला कि इसी लाइन पे कहीं ना कहीं वेट एक्ट कर रहा है। अगर इस बॉडी को मैं ऐसे निकालता हूँ यहाँ से, निकालने के बाद सपोज आई सस्पेंडेड सम इन सम अदर पोजिशन, ठीक है, इसको कुछ दूसरे पोजीशन में सस्पेंड करता हूँ, सपोज मैं ऐसे सस्पेंड कर दिया, नाउ आई सस्पेंडेड द बॉडी इन दिस पोजीशन, फिर से बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब अभी टेंशन ऐसा है तो वेट मस्ट बी एक्टिंग समवेयर अलोंग दिस लाइन, तो पता चला कि जो वेट है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पे तो था और ये इस लाइन पे भी है, दोनों लाइन पे है, मतलब इट इज समवेयर हियर, यू कैन से दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड समवेयर हियर, सो आई कैन से फॉर इरेगुलर शेप्ड बॉडी द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल्स ड्रॉन फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अगर इसको हम झुला देते हैं तो जहां पर ये दोनों वर्टिकल इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे सेंटर ऑफ मास है, टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन, क्या मैं समझा पा रहा हूं, चीजें तो बहुत आसान है, तो अलग अलग पॉइंट से बॉडी को सस्पेंड कर देंगे, जहां पर वो वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो चीजें बताना चाहता हूँ. सपोज आई हैव ए वेरी वेरी लॉन्ग रॉड से द लेंथ ऑफ द रॉड इज समथिंग लाइक 20 किलोमीटर. हाँ, कितना लंबा रॉड. अब इतना लंबा रॉड का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब ये 20 किलोमीटर हाइट तक जाएंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी वेरिएशन ऑफ जी वेरिएशन होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलता है. और जैसे आप अर्थ की सरफेस से दूर जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाता है. और हमें ये भी जानकारी है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इट इज क्लोज टू द हेवियर वेट, है ना. सेंटर ऑफ मास कहाँ है? इट द सेंटर ऑफ द मास. अगर एक यूनिफॉर्म बार है और सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा भाई? दी सेंटर होगा, दिस इज सेंटर ऑफ मास. बट सोचा जाए तो ऊपर वाला हाफ पार्ट और नीचे वाले हाफ पार्ट का, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है. तो इसका मतलब इस पार्ट का वेट ज्यादा है, इस पार्ट का वेट कम है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी क्लोज टू दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी क्लोज टू दी हेवियर पार्ट. मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समवेयर हियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो दी सेंटर ऑफ मास. तो कोई डिस्टर्ब कर रहा है उसको गाली करके रख देता हूँ. हाँ हेलो, हाँ नमस्कार, आम 11:30 पर कथा हवा, मुझे क्लास रे अच्छी 11:30. क्या बात समझ में आया? सिमिलरली सपोज, सपोज दूसरा कंसेप्ट लेते हैं, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए. सपोज आई से आई हैव ए यूनिफॉर्म मीटर स्टिक और ये मीटर स्टिक को क्या किया गया है, ऐसा करके बांध लिया गया है. सपोज हियर इज ए पॉइंट फ्रॉम विच दिस इज टाइड, इसको इधर बांध दिया गया है और इसको इधर बांध दिया गया है. से दिस इज द 0 सेंटीमीटर मार्क एंड दिस इज द 100 सेंटीमीटर मार्क. ये यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है. तो आप देखोगे इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ मिलेगा आपको? यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर, यू नो देर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. 3 फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है. मतलब तीनों फोर्सेस को या तो पैरेलल होना या फिर कंकरेंट होना है. तो आप देख रहे हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है टेंशन, और ये जो वेट है दैट वेट मस्ट बी पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ मीटिंग हियर. तो इसका मतलब अगर यहाँ से मैं वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ और आपको मालूम है कि वर्टिकल लाइन लाइक दिस, वेट इज एक्टिंग लाइक दिस, देन दिस मस्ट बी द 50 सेंटीमीटर मार्क. ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है. मतलब अगर कोई अनइक्वल लेंथ थ्रेड से किसी एक बार को हम सस्पेंड कर देते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे इट विल पास थ्रू द मिड पॉइंट. ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हैं और अभी थोड़ा सा दोबारा रिकॉल करवा दी. ओह सॉरी. तो अब हम देखें कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जानने की तरीका क्या है. ये मोटरिकली और प्रैक्टिकली हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. दूसरा चीज ये है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी नॉट नेसेसरली और मे रिमेन आउटसाइड द बॉडी, मे रिमेन आउटसाइड द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन इट्स शेप. Change with the position of the body. Body का position बदलेगा तो center of mass नहीं बदलेगा. मतलब ये pen को अगर मैं ऐसे रखता हूँ और पता किया कि center of mass कुछ यहाँ पे है, pen को ऐसे रखूंगा तब भी center of mass यहाँ पे, ऐसे रखूंगा तब भी center of mass यहाँ पर, क्योंकि it is at the center of distribution of masses. तो ये पोजीशन के हिसाब से नहीं बदलता है.
सपोजिंग हमारे पास कोई एक सेमी सर्कुलर बॉडी है, ये एक वायर है जो सेमी सर्कुलर शेप का है। अब ये वायर का सेंटर ऑफ मास पता करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दी पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। मुझे क्या करना है, ये जो वायर है इसको किसी एक पेपर के ऊपर चिपका देना है। मान लो कि ये हो गया वायर, चिपका दिए, और फिर नीचे मुझे ढूंढना पड़ेगा एक पॉइंट कहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या आप गेस करके बता सकते हो, आई एम गिविंग यू थ्री पॉसिबल पोजिशंस वेयर कैन बी हेल्ड इन इक्विलिब्रियम ए बी सी। बताओ तो कहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, सपोर्ट देंगे नीचे से, तो ए में कि बी में कि सी में? बी में रहेगा। फीलिंग में आ रहा है सबको, यू आर एबल टू फील। इसका मतलब आप देख रहे हो कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है इट इज समवेयर हियर, नॉट नेसेसरली इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। बॉडी के मटेरियल अंदर के नहीं, अंदर में नहीं है, अंदर से बाहर है। और आगे चल के हम लोग कभी पढ़ेंगे, अगर ये सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म वायर है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, तो अगर ये वायर का रेडियस आर है, मतलब ये सेमी सर्कुलर का रेडियस आर है, तो ये जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2R/π, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर केस। नाउ जान लो थोड़ा सा, कोई सेमी सर्कल का यहाँ से डिस्टेंस होता है 2R/π। कहने का मतलब है कि आपका कोई बॉडी का सेंटर ऑफ मास इज नॉट नेसेसरी इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, इट मे बी आउटसाइड। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो आपको समझ में ये आ रहा होगा आपका अपना बॉडी का भी एक सेंटर ऑफ मास है कि नहीं। डिपेंड नहीं करता है किधर का मास ज्यादा है, जिधर का मास ज्यादा है सेंटर ऑफ मास उधर को रहेगा। नाउ यू इमेजिन वेयर इज योर सेंटर ऑफ मास। नाउ कैन यू मेक योर सेंटर ऑफ मास आउट ऑफ योर बॉडी? क्या अपना बॉडी से सेंटर ऑफ मास को हम बाहर निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? अगर हम कुछ ऐसे झुक जाते हैं, है ना, ऐसे अगर झुक जाएंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब अपना सेंटर ऑफ मास को अपनी शेप के हिसाब से बाहर ला सकते हो। इसलिए कहते हैं कहीं भीड़ भाड़ है तो ज़्यादा झुकना मत, क्योंकि आपका सेंटर ऑफ मास बाहर आ जाएगा। कोई आया आपका सेंटर ऑफ मास को लेकर भाग गया तो आपका सारा मास उसके साथ चला गया, यू आर नाउ मासलेस। ऐसा झुकना मना है। ठीक है, केयरफुल रहे कि सेंटर ऑफ मास आपके अंदर है। तो कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के मटेरियल के बाहर ही होगा, ऐसा अंदर ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाहर भी हो सकता है ना। ये चीजें आपको याद रखना। अब ये जो केस लिए हम लोग, इस केस में अगर बॉडी को ऐसा पोजीशन में रखने की बजाय अगर मैं कुछ ऐसा पोजीशन में रखूंगा तो पोजीशन बदल गया, बट सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहा। सेंटर ऑफ मास इज नॉट गोइंग टू चेंज, जहां था वहीं रहा, डिस्टेंस 2R/π, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम। अगर आपको ये चीजें समझ में आया तो छोटा सा क्वेश्चन बनाइए। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे पुली है, ये पुली है, दिस पुली इज हेल्ड लाइक दिस। और चलो मानते हैं कि इस पुली से हम कहेंगे कोई एक रोप है, मोटा सा रस्सी है, जो रस्सी कुछ ऐसा गया, ऐसा है, दोनों तरफ बराबर लेंथ है तो रस्सी झूल है। दिस रोप इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसा करके झूल रहा है। अभी अभी क्योंकि मुझे ये चीजें की जरूरत पड़ेगा जब हम वर्क एनर्जी पावर चैप्टर करेंगे टू फाइंड आउट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इन ऑल दैट, है ना। तो हमें पता करना है कि वेरी अगर ये रोप जो है, ये थोड़ा सा एक मिनट, सपोज ये रोप इस पोजिशन में तो था लेकिन मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर लिया, एक तरफ को थोड़ा सा मैं खींच लिया तो फिसलने लगेगा, क्योंकि इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया। और दिया गया है कि ये जो रोप है, ये रोप का ये साइड का लेंथ कितना है, एल, लेंथ ऑफ दिस साइड इज एल दिया हुआ है, ठीक है, ये रोप का ये साइड का लेंथ है एल। जब ये रोप यहां से फिसल के आएगा, बाय द टाइम इट लीव्स द पुली, क्या बता सकते हो, सेंटर ऑफ ये घूम के आया और फिसल लगा और कुछ समय के बाद ऐसे फिसल के आने लगा, अब ये ऐसे आने लगा, क्या बता सकते हो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? ये ऐसे गया, फिसला और इधर से निकला, सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, क्योंकि मुझे पता करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आएगा
सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना नीचे आएगा, उतना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर एच नीचे आया तो एम जी एच विल बी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले हमें समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया। तो सोचें, सोचें पहले कि अगर मैं ये पॉइंट को रेफरेंस मानता हूं, तो सोचो कि ये जो आपका ग्लोब है इसको थोड़ा और नीचे खींच देंगे। हाँ, तो अगर ये लेंथ एल है, ये लेंथ भी एल है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? हाईएस्ट पॉइंट में कि मिड पॉइंट में कि लोएस्ट पॉइंट में? क्या लग रहा है आपको कहाँ होगा? तुम लोगों का, हाँ क्या है, मैं बताओ, तुम लोगों का आवाज नहीं आ रहा। कहाँ पे होगा? एट द हाईएस्ट पॉइंट और एट द मिड पॉइंट और एट द लोएस्ट पॉइंट? मिड पॉइंट में होगा। ये मत सोचना कि चेन का मिडिल पॉइंट ये है तो चेन का मिडिल पॉइंट में ही आएगा। नो नो नो, इट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस शेप। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज समवेयर हियर। और इससे आपको ये भी समझ में आया कि ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये है एल बाई टू। अब ये पूरा का पूरा चेन है ना, तो और इस पूरा चेन का लेंथ 2L था, तो यहां से यहां तक का लेंथ 2L है और यहां से यहां तक का लेंथ L था, तो ये बाकी L है, मतलब दिस इज द मिड पॉइंट। तो अब चेन स्ट्रेट है तो सेंटर ऑफ मास पहले C1 पे था, अब ये C2 पे आया है, तो कितना नीचे आया है? L by 2। तो आपको लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ? Mg L by 2। ये समझने की तरीका है कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ रहा है, क्योंकि बाद में पूछा जाएगा कि बताओ अगर ये चेन फिसल के निकल गया तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन? आपको लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी पता तो चले, खैर वो तो दूसरी चैप्टर की बात है। मैं थोड़ा सा खाली बता रहा था, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना हुआ चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? एग्जाम्पल से पता चला पोजिशन 1 और 2 के बीच में व्हेन ग्लोब स्लिप्स फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2 दी सेंटर ऑफ मास कम्स डाउन बाय कितना नीचे आया? सेंटर मास यहां था L by 2 में, अभी यहां पर बीच में आ गया, कम डाउन बाय L by 2। समझ में? एंड दैट विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द लॉस इन पोटेंशियल। बस आपको समझ में आना चाहिए कि शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मत सोचना कि किसी चेन का मिड पॉइंट में सेंटर ऑफ मास होगा, वो डिपेंड करता है कि चेन कैसे रखा गया। सीधा रखा गया है तो मिड पॉइंट में, ऐसे फोल्ड करके रखा है तो ये पॉइंट। ओके ओके, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ हाउ वी मैथमेटिकली फाइंड, ये पॉइंट नंबर 6 था, पॉइंट नंबर 7 मैथमेटिकली the distance of center of mass of a distributed mass system, distance of center of mass from a point लिख देते हैं, ठीक रहेगा, from a point is given by, मान लो कि यहाँ पर ढेर सारे मासेस है, M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, पूछा गया बताओ ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से कितना दूर पे। आपको बुक में मिलेगा हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस से कितना दूर पे है, वाई एक्सिस पे कितना दूर पे है, बट यहाँ पर हम बात करें फ्रॉम दिस पॉइंट। तो पहले आप ये सारे मासेस को विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट उनका पोजीशन वेक्टर सेट करने की कोशिश करो। सपोज ऐसे दिस पॉइंट इज एट द पोजीशन R1, दिस पॉइंट इज एट ए पोजीशन R2, दिस पॉइंट इज एट ए पोजीशन R3 एंड दिस इज एट ए पोजीशन R4। दीज आर द पोजीशंस ऑफ द डिफरेंट मासेस ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट इज गिवन बाय। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है? सपोज ये पूरे का सेंटर ऑफ मास कहीं कुछ यहाँ पर मिला, इसका मतलब
दिस इज व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर इसको हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहेंगे, ये सी है, तो ये चीज को हम कहेंगे आरसीएम, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो गिवन बाय आरसीएम इज इक्वल टू वेक्टर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई आर आई बाय समेशन ऑफ एम आई। अगर हर एक इंडिविजुअल मास का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ओ मालूम है, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओ निकालने का तरीका क्या है? ठीक है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। बिफोर वी गो फॉर ऑल दिस थिंग्स, मैं जानना चाहूंगा कि छोटा सा क्वेश्चन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि एम वन आर वन वेक्टर, एम टू आर टू वेक्टर, ऐसे करके सबको निकालो और जोड़ो बाय समेशन ऑफ एम आई। मतलब इट इज नथिंग बट एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री एंड सो ऑन। क्या बात, समझ में आया? समझ में आया तो विल गो फॉर ए स्मॉल क्वेश्चन। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये हमारा ये है हमारा चीजों को समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये हमारा वाई एक्सिस है सपोज, और ये हमारा एक्स एक्सिस है सपोज। आपको पूछा गया कि यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है, ठीक है, चलो यहाँ पे कोई एक मास रखा हुआ है, चलो ये मास है M, और यहाँ से इसका पोजिशन कोऑर्डिनेट दिया गया है। क्या कोऑर्डिनेट दिया है? कोऑर्डिनेट दिया है -3, 4। यहाँ पे कोई एक दूसरा मास रखा हुआ है, से इट इज 2M, इसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, से इट इज समथिंग लाइक से 2, 2। और यहाँ पे कोई एक तीसरा मास रखा हुआ है, कॉल इट 3M। कहाँ रखा है? सेट इज 5, 0। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब सेंटर ऑफ मास जहां है उसका पोजीशन वेक्टर कहां है, क्या है? आई टेक दिस इज माई वाई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई वाई एक्सिस। तो पहले मुझे ये सारा वेक्टर को डेजिग्नेट करना पड़ेगा। ये हुआ एक वेक्टर, ये हुआ दूसरा वेक्टर, ये हुआ तीसरा वेक्टर, लाइक दिस द थ्री वेक्टर्स आर डेजिग्नेटेड। चलो हम इसको कहेंगे आर वन, इसको कहेंगे आर टू, और इसको कहेंगे आर थ्री। तो एम वन क्या है? एम वन एम है, उसका आर वन क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ -3, 4, -3 i cap प्लस 4 j cap। एम टू क्या है? एम टू इज 2m, उसका आर टू क्या है? यू से इज 2 i cap प्लस 2 j cap। वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, पोजिशन वेक्टर पे पॉइंट कैसे निकालते हैं। और एम थ्री क्या है? एम थ्री इज 3m, उसका आर थ्री क्या है? R3 is only 5 i cap. Now, position vector of center of mass. कहाँ कितना होगा? You say it is m into r1 vector, 2m into r2 vector, 3m into r3 vector divided by m plus 2m. क्या बातें, समझ में आया? सिंप्लीफाई करो, कुछ मिलेगा। Why to worry? Don't go for calculation. You must understand how to find out. तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। और तीन वाले केस नहीं देंगे, दो वाले देंगे तो आप कर सकते हो। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दो मास दिया है, तो आप निकाल सकते हो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। क्या ये बातें समझ में आ रहे हैं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ये था।
था हमारा पॉइंट नंबर 7। नाउ पॉइंट नंबर 8, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम एक्स कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा कोई शेप का बॉडी है, मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर कोई एक बहुत ही आर्बिटरी शेप का बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या है जानने के लिए इसे डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस है। फर्स्ट यू कॉट इट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल मासेस, नॉट वेरी स्मॉल, ऐसा मासेस में इसको कट करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम होगा। ध्यान रहे मैं क्या बोल रहा हूं, इसको जब कट करोगे टुकड़े टुकड़े में, ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास मालूम होगा। हो सकता है कि मैं एक टुकड़ा बनाया सर्कुलर, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास मालूम है, एक टुकड़ा बनाया स्क्वायर टाइप का, उसका भी सेंटर ऑफ मास मालूम है, एक टुकड़ा बनाया बड़ा सा सर्किल, इसका भी सेंटर ऑफ मास मालूम है। ऐसे करके इसको टुकड़े टुकड़े करो और ऐसा टुकड़ा करो कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास आपको मालूम है। वंस यू कट इट इनटू नंबर ऑफ पीसेस, जितना कम नंबर ऑफ पीस में काम निपटा लोगे उतना आसान होगा कैलकुलेशन। सपोज हम कहेंगे कि ये जो मास है ये मास M1 है, ये जो मास है ये मास M2 है। सपोज ऐसे करके हर एक मास हमें मालूम है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। सपोजिंग हम कहेंगे जो M1 है उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से हमें मालूम है, वाई एक्सिस से एक डिस्टेंस मालूम है और एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस मालूम है। अच्छा M2 है, M2 का भी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से मालूम है और यहाँ से भी मालूम है। ऐसे हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास का पोजिशन आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल M1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, एट डिस्टेंस x1, और ये क्या है, ये y1। M2 का ये डिस्टेंस कितना है, x2, ये y2। ऐसे करके सब कुछ हम पता कर लिए, हर एक टुकड़े के लिए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हम x एक्सिस एंड y एक्सिस पता कर लिए। अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। ध्यान रहे मैं गलती से बोलते डिस्टेंस बोल दिया हूं, यू शुड से इट इज डिस्प्लेसमेंट, मतलब इधर को रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, इधर को रहेगा तो नेगेटिव रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे मिलेगा, समेशन ऑफ निक्सी बाय समेशन ऑफ mi, mi xi बाय समेशन ऑफ mi। हम कुछ छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे, किसी को पूछे तो बताओ फॉर्मूला याद है, बोला कि हां समेशन ऑफ निक्सी बाय समेशन ऑफ mi, तो लोग इसको मिक्सी याद रखते हैं। एनीवे सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज समेशन ऑफ mi yi बाय समेशन ऑफ mi। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे कि ये कोई एक बॉडी है, उसका शेप कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा शेप का एक प्लेट है, मतलब स्क्वायर प्लेट तो है, ये लेंथ 2L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, और हमें पता करना है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। मैं एक्सिस ऐसे लिया हूँ, वाई एक्सिस ऐसे, एक्स एक्सिस ऐसे, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है। टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, पहले मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं इसको टुकड़े टुकड़े करने वाला हूँ। जब मैं टुकड़ा टुकड़ा करूंगा इसको, तो हमें ध्यान से देखना है कि जितना कम नंबर ऑफ टुकड़े करेंगे कैलकुलेट करना उतना आसान है, क्योंकि हमें निकालना होगा M1, X1, M2, X2, M3, X3, जितना कम होगा कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको दो टुकड़े में कन्वर्ट करूँ। ऐसा शेप का कोई बॉडी है, मान लो ये प्लेट है, थीन प्लेट है,
और उसको सेंटर ऑफ मास का लोकेशन पता करना है। तो चलो मैं इसको ऐसा एक टुकड़ा बनाया और ऐसा एक टुकड़ा बनाया, दो टुकड़ा बना दिया। इफ आई मेक और कॉट इट इन टू टू हाफ टू पार्ट लाइक दिस, एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, यस। अब ये दोनों पार्ट का सेंटर ऑफ मास मुझे मालूम है, तो फ्रॉम द नॉलेज ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स मैं निकाल सकता हूँ व्हाट इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल सपोजिंग हम कहेंगे कि ये जो मास है छोटा सा टुकड़ा ये एम है, क्या आप बता सकते हो ये बड़ा वाला टुकड़ा का मास कितना होगा? ऑब्वियसली इसका डबल है। बाकी लोग देख रहे हैं, कभी कभार बोलेंगे तो कंठ में जो है सरस्वती जी बैठ जाएंगे और वो दिमाग में भेजेंगे, क्यों कृष्णा तुमको तो बोलना चाहिए ये मास एम होगा तो ये कितना होगा। नहीं आ रहा तुम्हारा माइक्रोफोन से आवाज नहीं आ रहा। हाँ टू एम होगा तो थोड़ा जोर से बोलना चाहिए ना। साइलेंट ऑब्जर्वर्स आर सिंस लास्ट टू थ्री इयर्स आफ्टर कोरोना, वो ऐसे देखते रहते हैं, कोई कब कुछ डाउट नहीं होता है और बाद में पता चलता है कुछ नहीं हुआ। इट इज ए इंटरैक्टिव क्लास, हाँ फील लाइक सिटिंग इन द क्लास एंड ज्वाइनिंग द क्लास, ये नहीं कि तुम्हें बाहर से कोई देख रहा है कि क्या हो रहा है इधर। ये मास एम होगा तो ये मास कितना होगा? हाँ देखा अभी आवाज आया। अब बात ये है कि अगर मुझे सेंटर मास पता करना है तो चलो मैं मानता हूं कि जो M1 है, बोलना है आप लोगों M1 है, उसका मास लेते हैं M, ये है 1, किसी को 1 कह सकते हैं किसी को 2 कह सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, M1 है M। क्या कोई मुझे बताएगा X1 क्या था, व्हाट वाज X1? ये जो फॉर्मूले में हमारा X1 और Y1 क्या था, व्हाट वाज XI? इट वाज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एम आई फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम वाई एक्सिस, दैट इज व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स आई क्या था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एम आई फ्रॉम वाई एक्सिस, एम वन का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट यहां से इज एक्स वन। सिमिलरली वाई आई क्या है, yi is ध्यान रहे displacement of center of mass of mi from y axis x axis। क्या ये xi yi क्या है आपको समझ में आया? yes, कृष्णा को भी समझ में आया, जोर से बोलो जय माता दी। हाँ बोलो, वेटिंग फॉर यू, समझ में आया? yes, sir. आया, तो अब तुमको बताना है, बताओ मैं अगर इसको M1 लेता हूं तो X1 क्या होगा, बोलो कृष्णा, नहीं तो तुम्हारा फोटो भी यहां पे निकालूंगा और वायरल कर दूंगा, तुम ये सर बोल चुके हो, क्या है खिराब जी, व्हाट इज X1? बाय डेफिनेशन X1 क्या था भाई, X1 वाज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 फ्रॉम Y एक्सिस। M1 कौन है, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ, ये M1 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम Y एक्सिस कितना है, ये है 12 और ये पूरा L है तो इसका मिड पॉइंट में रहेगा तो ये L बाई टू होगा, बिल्कुल हो गया 12 प्लस सॉरी L प्लस L बाई टू दैट इज 3L बाई टू। देखा जो लोग समझ में आया है बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आया है और फिर भी ऐसे बैठे रहते हैं जैसे उनको सब कुछ समझ में आ गया। कोई एक मूवी के गाना में देखा था ऐसे, चलो ठीक है, क्या अगर आप समझदार हो तो मुझे Y1 का वैल्यू बताओगे, खुशी बताएगी क्या, व्हाट इज Y1 हियर, Y1 क्या था, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M1 फ्रॉम X एक्सिस, ये X एक्सिस से इसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर पे, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना, L by 2। देखा थोड़ा हम पूछे आप इन्वॉल्व हुए तो समझ में आए, नहीं तो ऐसे ही हम करते जाएंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इट इज एज गुड एज ग्लास रॉड डिप्ड इनटू वाटर, बाहर निकालो तो लगेगा भीगा भीगा सा है लेकिन अंदर
ये पानी नहीं गया होगा। समझ में अभी लगा कि सब कुछ पढ़ा दिए लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। अब आपका काम है, ओनली गर्ल्स जो बोलना चाहते हैं पहले बोल दे। एम टू ले लेंगे हम इस मास को, 2M। क्या कोई मुझे बताएगा H2 क्या है? गर्ल्स आर अलाउड टू से H2 क्या है? ये M2 है। H2 क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M2, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ M2 फ्रॉम द वाई एक्सिस। कितना दूर पे होगा उसका सेंटर ऑफ मास यहां से? कितना होगा? क्या बोल रहा है? L/2। इतना धीरे से बोल रहे हो L/2 मुझे सुनाई दे रहा है तेलुगु? सब तेलुगु है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा चिल्ला के बोलो, डरने की क्या बात है? तुम्हारा क्लासरूम Y2। आदिया साहब कैन यू हेल्प मी, व्हाट इज Y2? सोचो, आप लोग भी सोचो, Y2 क्या होगा? L, क्योंकि इसका सेंटर मास यहां से डिस्टेंस L डिस्टेंस में है। ठीक है, क्या कृष्णा को अभी लगा कि उसको समझ में आया? श्योर? दोबारा पूछने से बता दोगे? वेरी गुड। इतना धीरे से हाँ सर करने के क्या है? तो अगर ये चीजें आपको मिल गया तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2। तो ये क्या हो गया? M × 3L/2 प्लस M × L/2 सॉरी हाँ L/2 डिवाइडेड बाय, नहीं ये M नहीं था, ये 2M था, M प्लस 2M जो है। सिमिलरली Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 y1 प्लस M2 y2 बाई M1 प्लस M2। नॉन कोऑपरेटिव स्टूडेंट्स मेक द क्लास स्लो। आप चिल्ला के जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपकी गलतियां मुझे पकड़ में आएगा, इतनी लाइल फिर यू। तो YCM क्या आया? यू से इट इज M1 y1, मतलब M इसका करेस्पॉन्डिंग y1 क्या है? L/2। M2 क्या है? 2M, उसका करेस्पॉन्डिंग Y2 क्या है? L/M प्लस 2M। सो हम यहां से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। क्या बात समझ में आया? यस सर। आई वांट टू सॉल्व दिस सेम क्वेश्चन इन ए बिट डिफरेंट वे, और दूसरा तरीका जानना जरूरी है क्योंकि काफी केसेस आएंगे जो दूसरा तरीके से ही बनेंगे। चलिए मैं सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। अब ये जो केस है हमारा, यहां पर रखा है 2M, यहां पर M है। हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है, हम थोड़ा इसको मिटाते हैं चीजों को, लेट मी रिमूव। यस 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 यस। तो मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ये ऐसा शेप का प्लेट नहीं है, क्या है? ये पूरा कंप्लीट स्क्वायर है जिसमें से ये पार्ट को भगा लिया गया है। कौन सा पार्ट को भगा लिया गया है? आपको ये पार्ट को भगा लिया गया है, दिस पार्ट इज रिमूव्ड, है ना? ये पार्ट को भगा लिया गया है। तो थोड़ा समझे, अब हम कहेंगे कि ये पार्ट को भगा दिया गया है तो बात लिखिए। तो यू थिंक दिस इज ए कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2L। ये L है तो ये भी L है, ये भी L ही है, और ये भी 2L है, ये L है, ये L है। ये पार्ट को निकाल देंगे तो बाकी पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये भी तो सोचने का तरीका। जो निकाल लिया गया पार्ट है वो पार्ट का अगर मास M कहेंगे तो ये पूरे स्क्वायर का मास क्या होगा? जो निकाल लिया गया पार्ट है उस पार्ट का मास को अगर हम m कहेंगे, जो बाकी जो पूरा स्पीयर मगर नहीं निकाला होता तो पूरा स्पीयर का मास कितना होता? 4m होता। तो हम सोचेंगे कि दिस इज एज गुड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4m एंड
माइनस एम, ऐसे सोच सकते हैं, 4m के साथ माइनस एम जोड़ दिए, हो गया। तो हम कहेंगे कि यहां पर दो है, क्या है, एक है कंप्लीट स्क्वायर ऑफ मास 4m और एक छोटा सा स्क्वायर ऑफ मास माइनस एम, इसको हम माइनस एम कहेंगे। तो कहेंगे कि चलो ये दूसरा तरीका हुआ नेगेटिव मास कंसेप्ट। क्या कहता है, अगर हम m1 लेते हैं माइनस m को, माइनस m को हम m1 कहेंगे, तो m2 लेंगे पूरा स्क्वायर को जिसका मास है 4m, m1 के लिए x1 और m2 के लिए x2, m1 के लिए y1 और m2 के लिए y2 निकाल लेंगे। माइनस m, m1 कौन है, ये मास। अब कृष्णा की बारी है, बताइए, बताओ x1 क्या है कृष्णा, m1 है ये मास, उसका x1 कितना है, बोलो जोर से, 3l by 2, धीरे से बोलोगे यहां से फेंक के मारेंगे। y1 क्या है, 3l by 2, देखा कितना मस्त समझ में आया, इनको कहते हैं किसके भूत। अच्छा x2 क्या है, 4m, चल कृष्णा तेरे लिए फिर से। m2 क्या है, पूरा का पूरा स्क्वायर, उसका सेंट्रल मास कहां है, बीच में है, उसका x2 क्या होगा, ये, y2 क्या होगा, ये, मतलब ये भी l, ये भी l। अभी अगर मुझे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मैं कहूंगा m1 x1 मतलब माइनस m इनटू 3l by 2 प्लस m2 इज 4m इनटू l डिवाइडेड बाय 4m प्लस माइनस m, तो इट इज 4m माइनस m। सिमिलरली आई कैन फाइंड द y कोऑर्डिनेट, यू विल फाइंड इट इज कमिंग द सेम, जो हम लोग पहले निकाले थे वही आ रहा है, कुछ अलग है नहीं। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगेन माइनस m के लिए 3l by 2, माइनस m 3l by 2 प्लस 4m l by 4m minus 3m, 4m minus m। तो what you see, x coordinate and y coordinate are coming the same, दोनों का x coordinate y coordinate बराबर आ रहा है, क्योंकि symmetrical निकाला गया है, यहाँ से एक टुकड़ा निकाल देंगे तो सेंटर मास ऐसे के चले। क्या बातें समझ में आ रहा है, ये था हमारा नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग देखे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। पॉइंट नंबर 8 हम देख चुके हैं, पॉइंट नंबर 9 हम देखेंगे। ये चीजें कुछ हमें मदद करता है न्यूमेरिकल करने में, जैसे अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर ये पेन को मैं इक्विलिब्रियम में रखा हूँ, सपोज यहाँ पर एक 5 रुपी का कॉइन रखा है, यहाँ पर एक 1 रुपी का कॉइन रखा है, ठीक है, और सपोज ये पेन अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी मैं लाके यहाँ पे एक 5 रुपी का कॉइन को रखता हूँ, तो ऑब्वियसली ये इधर को गिर जाएगा, मैं चाहता हूँ कि ना गिरे, तो मुझे मेरा पॉइंट ऑफ सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, किधर को, टूवर्ड्स द 5 रुपी कॉइन और अवे फ्रॉम द 5 रुपी कॉइन, टूवर्ड्स करना पड़ेगा, मतलब पहले सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे तो था, एक 5 रुपया वाला कॉइन यहाँ पर रखने के बाद पैसा को देख के सेंटर ऑफ मास इधर भागा, हर कोई पैसा को देख के भागता है, तो सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा इधर को भागा, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट टूवर्ड्स द एडेड मास। सिमिलरली अगर यहाँ से हम कोई मास को काट के निकाल देंगे, फिर भी इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो मेरा पॉइंट ऑफ सपोर्ट को थोड़ा डिस्प्लेस करना पड़ेगा, दूर लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हम कहेंगे व्हेनेवर यू विल सी व्हाट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर कमिंग ऑन दिस, व्हेनेवर एनी मास इज एडेड, मास इज एडेड, व्हेनेवर एनी मास इज एडेड टू ए सिस्टम, द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टुवर्ड्स द एडेड मास। तो
ये स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काफी मदद करेगा एंड वाइस वर्सा, मतलब एनी मास इज रिमूव्ड तो सेंटर ऑफ मास विल मूव अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। फॉर एग्जांपल अगर समझ में आया केटी तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये कोई एक वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और सपोज यहां पे मेरे पास कोई एक स्क्वायर प्लेट है और सिमेट्रिकली ऐसे रखा है कि उसका सेंटर इज समवेयर एट ओरिजिन, ठीक है ये स्क्वायर प्लेट है। चलिए स्क्वायर प्लेट को थोड़ा कलरिंग कर देते हैं, ये है हमारा स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बीच में है। सपोज मैं ये स्क्वायर प्लेट में एक होल कर देता हूं, आई क्रिएट ए होल समवेयर हियर, यहां पर मैं एक होल बना दिया और मैं क्या किया यहां पर आई कनेक्टेड ए होल। क्या बता सकते हो ये जो स्क्वायर प्लेट है इसका सेंटर ऑफ मास अभी कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहां है? फिर आप देख वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस प्लेट विथ ए होल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? सोच रहे हैं? क्लास में इंटरेक्ट करते तो समझ में आता, बार बार बोल रहा हूं कि चुपचाप मत बैठो, आई कैन नॉट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग या नॉट अनलेस अंटिल यू टेल। देखो भाई ये पूरा प्लेट का सेंटर ऑफ मास सेंटर में था, एक छोटा सा होल यहां पे कर दिए। केन आदित्य आंसर द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बताए कि व्हेनेवर एनी मास इज रिमूव्ड द सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास, सेंटर ऑफ मास अब यहां पे नहीं रहेगा, कुछ यहां पे आ जाएगा। नाउ यू विल सी द सेंटर ऑफ मास इज समवेयर हियर, सो इट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं यहां पर होल करने की बजाय एक पांच रुपया का कॉइन रख देता तो सेंटर ऑफ मास भागता टुवर्ड्स द हेडेड मास। क्या बातें समझ में आया? यस। नाउ पॉइंट नंबर 10, कोई एक सिस्टम में डिफरेंट सारे मासेस रखे हुए हैं, सपोज दिस इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट से दिस इज द वाई एक्सिस और यहां पर कुछ मासेस ऐसे पड़े हैं। चलो मानते हैं कि यहाँ पर कोई एक मास है, यहाँ पर कोई एक मास है, यहाँ पर कई एक मास है, दे आर एट डिफरेंट पोजिशंस, M1 है, ये M2 है, ये M3 है और सबका अपना अपना डिस्टेंसेस है। सपोज आई से दिस डिस्टेंस इज X1, दिस डिस्टेंस इज X2 एंड दिस डिस्टेंस इज X3, ये X1 है, ये X2 है, ये X3 है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हमें आता है M1x1 + M2x2 + M3x3 / M1 + M2 + M3। अब क्या हुआ कि अगर ये सारे मासेस को मैं थोड़ा-थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूं, सपोज आई डिस्प्लेस दिस मास बाय सम अमाउंट, इसको सम अमाउंट, इसको सम अदर अमाउंट, सबको अलग-अलग डिस्प्लेसमेंट दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट दिया dx1, इसको दिया dx2, इसको दिया dx3, तो ऑब्वियसली दिस सेंटर ऑफ मास also change, पहले जहां था वहीं से बदल जाएगा। कितना बदल जाएगा? What will be change in position of center of mass? If M1, M2, etc. are given displacements dx1, remember their vector, dx2, etc. respectively, then the change in position of center of mass, center of mass का position में कितना बदलाव आएगा? Change in position of center of mass is equal to call it dx. वैसे हमें formula मालूम था कि x is equal to summation of mixi by summation of mi, dx मतलब दोनों तरफ को differentiate करो तो मिलेगा आपको ये summation of mi dxi by summation of mi, remember this is what is also a vector। तो हर एक मास को अगर हम displace करते हैं थोड़ा थोड़ा सा तो center of mass भी अपनी जगह बदल देगा। कितना बदल देगा? What will be the displacement of center of mass with respect to its initial position is given by this formula।
बस इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि dxi इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ, रिमेंबर, से वेक्टर ऑफ mi. क्या बातें, समझ में आया? यस सर. चलिए, समझ में आया प्रूफ करने के लिए विल सी ए स्मॉल न्यूमेरिकल. क्वेश्चन क्या है? मासेस वन आर 2 kg, 3 kg एंड 3 kg एंड 5 kg आर केप्ट अलोंग और केप्ट ऑन एक्स एक्सिस. देयर डिस्प्लेस्ड एज शोन. फाइंड चेंज इन पोजिशन. चेंज इन पोजिशन वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. चेंज इन पोजिशन ऑफ डी सेंटर ऑफ मास. क्या दिया है? दिया है कि ये एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर 3 मास रखे हुए थे. कि ये कौन है वो मासेस? दोज मासेस आर नथिंग बट 2 kg, 3 kg एंड 5 kg. ये एक मास है, ये एक मास है और ये एक मास. कहाँ रखे थे? कहाँ रखे थे कोई जानकारी नहीं, बस थे. दिया गया है कि 1 kg को ना, सॉरी 2 kg है, ये 2 kg है और ये 3 kg है और ये है 5 kg. दिया गया है कि फिगर में दिखाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? चलो मानते हैं कि ये जो 2 kg है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है, 3 kg है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है और 5 kg है उसका डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है. ऐसे दिया है. कितना हुआ है? 2 kg का हुआ है 10 cm, 3 kg का 6 cm, 5 kg का 4 cm. सबका जगह बदल दिए तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी जगह बदल देगा. व्हाट इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो जानने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? M1, M2, M3 को डिफाइन करना पड़ेगा और करिस्पॉन्डिंग dx1, dx2, dx3 को भी लिखना पड़ेगा. dx1, dx2, dx3. आप चाहो तो वेक्टोरियल लिख सकते हो. M1 इज 2 kg और M2 इज 3 kg एंड दिस इज 5 kg. dx1 2 kg इधर को गया है 10 cm. आई कैन राइट 10 आई कैप. लिखो 10 आई कैप एज यू विश. dx2 क्या है? m2 का ये इधर को आया है. आई कैन राइट इट -6 आई कैप. dx3 5 kg है, उधर को गया है, तो आई राइट 4 आई कैप. तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? अब कहोगे इट इज समेशन ऑफ mi dxi बाय समेशन ऑफ mi. क्या बात, समझ में आया? सो इट इज 2 × 10 = 20 आई कैप. 3 × -6 -18 आई कैप. 5 × 4 = 20 आई कैप एंड दैट डिवाइडेड बाय 2 + 3 + 5. So this much centimeters. The displacement of center of mass is understood and seen. निकालने की क्या जरूरत है? यही छोड़ दो, बाकी मैथमेटिकल वर्क एवरीवन कैन डू. क्या बात, समझ में आया? यस सर. यस. अब हम देखें कि व्हेन इंडिविजुअल मासेस आर गिवन डिस्प्लेसमेंट्स, व्हाट इज द पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मासेस को डिस्प्लेस किए और सेंटर ऑफ मास नहीं बदला. मान लो कि यहाँ पर 3 मासेस रखे गए थे, ये ये ये, इसको थोड़ा इधर ले लिए, इसको थोड़ा इधर ले लिए, इसको थोड़ा इधर ले, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहा है कि नहीं? मान लो कि हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक डंडे के ऊपर 2 मास रखे हुए थे, एक मास था ये वाला यहाँ पे और दूसरा मास था यहाँ पे, बड़ा वाला मास, और पता चला कि छोटे को थोड़ा इधर को ले आए और पहले से ये इक्विलिब्रियम में था. कैसे था? इट वाज समवेयर हियर और इट वाज समवेयर हियर. ऐसे कहीं बड़े के पास इक्विलिब्रियम में था
और पता चला कि इसको थोड़ा इधर ले आए और इसको थोड़ा इधर ले आए और सेंटर ऑफ मास जहां था वही रह गया। हो सकता है इसको थोड़ा इधर ले लेंगे, इसको थोड़ा इधर ले लेंगे, तो फिर भी ये इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। मतलब इंडिविजुअल मासेस को डिस्प्लेस करेंगे तो सेंटर ऑफ मास बदलेगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास बदलेगा, सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। सो बाय चेंजिंग पोजिशन ऑफ इंडिविजुअल मासेस इफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज देन चेंजिंग पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब समेशन ऑफ एम आई डी एक्स आई क्या हो गया, जीरो हो गया। बाय 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 समेशन ऑफ एम आई हो गया जीरो। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर देते तो मिला समेशन ऑफ एम आई डी एक्स आई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या बात समझ में आया। By displacing individual masses, center of mass अगर नहीं बदलता है तो condition मिला कि summation of mi dxi must be equal to zero। क्या बात समझ में आया, क्या कृष्णा को समझ में आया? कृष्णा बोलोगे सर मेरे पीछे क्यों पढ़े? अरे यार किसी ना किसी के तो पीछे पढ़ना है, तेरे पीछे पढ़ गया, किसी दूसरे दिन किसी दूसरे के पीछे पढ़ जाएंगे, है ना। मैं डेली अलग अलग लोगों के पीछे पड़ता हूँ, कभी रवि को पकड़ता हूँ तो कभी सोमनाथ को पकड़ता हूँ तो कभी कृष्णा कभी केटी। अच्छा क्या ये बात समझ में आया सबको? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूं वो सारे आपके एंट्रेंस की क्वेश्चन से, ध्यान रहे। क्वेश्चन क्या है, इन फिगर शोन फाइंड बाय व्हाट डिस्टेंस द 5 kg मस्ट बी मूव्ड such that center of mass does not change, center of mass does not change। ठीक है, मैं यही पुराना क्वेश्चन को करता हूं, ये क्वेश्चन को ले आता हूं यहां से। चलो ये फिगर में दिया गया है कि बोला कि 5 केजी को कितना मूव करवाएंगे, पहले तो दिखा दिए थे, अब हम कितना मूव करवाएंगे दिया नहीं है। अब दिया नहीं है कि 5 केजी को हम कितना डिस्प्लेस करेंगे, 5 केजी को कितना डिस्प्लेस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। तो तरीका वही रहेगा, m1 का है 2 केजी, उसका dx1 क्या है, यू से इट इज 10 सेंटीमीटर i कैप इधर को है तो +10, m2 कितना है 3 केजी, उसका dx2 कितना है इधर को है तो -6, M3 क्या है 5 kg, DX3 वही तो पता करना है कितना होगा DX3 कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। और कंडीशन क्या है, फॉर समेशन ऑफ एम आई डी एक्स आई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्या आपको यहां से DX3 का वैल्यू मिलेगा, -0.4 सेंटीमीटर, मतलब यू हैव टू मूव इट टुवर्ड्स लेफ्ट बाय 0.4 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया? अच्छा, और हमें पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय m1 dx1 m2 dx2 ऐसे करके बाय समेशन ऑफ m i M1 cross M2 cross M3 ऐसा। अगर मैं दोनों तरफ dt डिवाइड कर देता हूं
dx is cm by dt. Suppose ये सारा चीज़ होता है, ये displace कर गया dx1 in dt seconds, ये displace कर गया dx2 in dt seconds, तो सब dt second में displace कर गए, तो क्या हो गया? तो हम dt अगर divide कर देंगे, dx is cm by dt will give you velocity of center of mass. और इधर ये जो नीचे वाला चीज़ है, उसको ऐसे रख देते हैं, summation of mi. अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, m1 dx1 by dt, that is velocity of m1, m2 dx2 by dt, that is velocity of m2, and so on. कहने का मतलब है, velocity of center of mass can be found as summation of mi vi by summation of mi. इंडिविजुअल मासेस का वेलोसिटी मालूम है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी हम पता कर सकते हैं. समझ में आया? सपोज हम कहेंगे कि सपोज जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, सपोज मैं आपको कोई केस देता हूं कि ये कोई एक मास है एम, दिया है कि ये कोई एक मास है एम, ठीक है, ये इधर जाने लगा भी वेलोसिटी में, ये है दूसरा मास एम, ये भी एक साथ इधर जाने लगा भी वेलोसिटी में, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री. पूछा गया है बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इधर भाग रहा है ये इधर भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करना है. तो हमें मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एम वी वन प्लस एम वी टू बाय एम वन प्लस एम टू, क्योंकि दोनों मास बराबर है. आप अगर कहोगे तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो ठीक रहेगा, डायरेक्शन की क्या जरूरत है, डायरेक्शन आपको मालूम है कि बीचों बीच रहेगा क्योंकि ये भी ऐसा है ये भी ऐसा है. तो आई कैन से एम गोज कॉमन, एम गोज कॉमन, ये नीचे टू एम है, काट पीट के छोटा हो गया, मिला वन बाई टू. वी वन प्लस वी टू का मैग्नीट्यूड, वी वन कितना है, वी टू कितना है, वी एंगल कितना है 60 डिग्री. हम ये दोनों वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं. क्या है कोई जो फटाफट बताएगा कितना होगा? 3 by √3b. हम एक टेबल दिए थे वेक्टर में, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड के, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल बिटवीन देम, व्हाट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. जब एंगल 0 है तो रिजल्टेंट होता था 2k, 60 डिग्री में √3k, 90 डिग्री में √2k, 120 में k, 180 में 0. टेबल दिए थे, याद रखोगे तब तो होगा. तो ये बन गया कितना, अब कहोगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन दिस केस इज कमिंग आउट टू बी, ये पूरा का मैग्नीट्यूड क्या हो गया √3v. तो इट इज √3/2 × v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्या बातें समझ में आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ में आ गया, तो लेट अस सी अबाउट एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, जैसे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाले हम लोग, क्या था, समेशन ऑफ एम आई वी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एम आई, यू डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर दोगे तो मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 1 बाय समेशन ऑफ एम आई होल इनटू एम1. ये क्या था, एम1 वी1 प्लस एम2 वी2, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मिलेगा एम1 ए1 प्लस एम2 ए2, सबका डिफरेंशिएशन करो और जोड़ो और कहो तो समेशन ऑफ एम आई ए आई बाय समेशन ऑफ एम आई, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब हर एक इंडिविजुअल मास का एक्सीलरेशन अगर हमें मालूम है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है, इट इज समेशन ऑफ एम आई ए आई बाय समेशन ऑफ एम आई. ठीक है, बट इसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है. सपोज आई से हियर इज ए मास, हियर इज अनदर मास, हियर इज अनदर मास, सपोज द मासेस आर डिफरेंट, सो इट इज m1 एंड दिस इज m2 एंड दिस इज m3. सपोज ध्यान से देखो,
मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और पता चला कि ये जो मास है इसके ऊपर मैं एक फोर्स दे रखा हूं, आई कॉल दिस फोर्स एज एन एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या है कि ये जो मासेस है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आप देखोगे कि ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स एफ वन तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर को। अगर हम कहेंगे कि ये फोर्स एफ वन है तो ये माइनस एफ वन है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इसके ऊपर फोर्स आया एफ टू तो इसके ऊपर फोर्स आएगा माइनस एफ टू, क्योंकि द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट ऑन द टू बॉडीज, और इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन है। अगर इसके ऊपर फोर्स आया एफ थ्री तो इसके ऊपर फोर्स आएगा माइनस एफ थ्री, लाइक दिस देयर आर सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। नाउ बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस दिस मासेस विल स्टार्ट मूविंग। अब M1 के ऊपर दो फोर्स आ रहे हैं, नेट फोर्स कितना मालूम नहीं है, लेकिन अगर M1 A1 एक्सीलरेशन में जा रहा है तो नेट फोर्स मस्ट बी M1 A1। तो अगर हम निकालना चाहेंगे व्हाट डज द न्यूमरेटर ऑफ द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट, आप कहोगे हमें निकालना था एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थोड़ा देख रहा कि ये M1 A1 है प्लस M2 A2 है प्लस M3 A3 है बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, समझो M1 A1 क्या हो गया, इसका एक्सीलरेशन A1 है, नेट फोर्स हो गया F2 माइनस F1, और M2 A2 इसके ऊपर जो फोर्स आ रहे, मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, क्या है वो फोर्सेस, एक तो है एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगाया हूं, और क्या है, और है ये है F1, ये है माइनस F3 प्लस F1 माइनस F3, M3 A3 इज F3 माइनस F2, दिस इज समेशन ऑफ M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 होल डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पर F3 है माइनस F3, F3 कैंसिल हो गया, ये है F2 एंड माइनस F2 कैंसिल हो गया, माइनस F1 प्लस F1 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट विद, ओनली द एक्सटर्नल फोर्स बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 क्या देता है, टोटल मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द समेशन ऑफ Mi Xi, समेशन ऑफ Mi Ai बाय समेशन ऑफ Mi बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स इट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम बाय टोटल मास। तो या तो आप हर एक इंडिविजुअल मास का एक्सीलरेशन निकालें और समेशन ऑफ Mi Ai बाय समेशन ऑफ Mi करें, या फिर देखें कि सिस्टम के ऊपर क्या एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बातें समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये वाला चीज समझ में आया सबको? Yes, sir. अच्छा, तो हमें एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना आ गया। इतनी सारी डिस्कशन से हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी समझ में आ जाता है। क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द बॉडी विल मेंटेन इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट। देखो अगर कोई बॉडी का ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, जीरो। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो हुआ मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर जीरो था तो जीरो रहेगा और जीरो नहीं था तो जो था वही रहेगा, मतलब या तो सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट और इट विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में? तो न्यूटन्स लॉ में हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ मास का, अगर ढंग से न्यूटन्स लॉ को अप्रोप्रिएटली टर्म्स देके कहेंगे तो हम ऐसे कुछ कहेंगे, एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम ऑफ मासेस कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन। तो इट टॉक्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ये नहीं है कि
ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ये नहीं है कि जब तक कोई बॉडी को धक्का नहीं देंगे मूव नहीं करेगा। दैट एवरीवन नोज, ये रखा है, धक्का नहीं दोगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हाँ हमें भी मालूम है, न्यूटन बोले थे, खाक बोले थे, ये सबको मालूम। अगर यही है लॉजिक आपका, तो बताओ कि सपोज ये एक बम है एंड यू गिव ए लिटिल फायर, तो फायर इज नॉट ए फोर्स, द बम एक्सप्लोड्स द फ्रैगमेंट्स को, है ना? तो एक्सटर्नल फोर्स तो दिए नहीं, कैसे मूव कर गया? आई स्विच ऑन द फैन, द फैन स्टार्ट्स मूविंग, आई सप्लाई सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इज नॉट ए फोर्स। बट व्हाट आई सी, जब हम फैन को कुछ एनर्जी दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे हैं, तो वो मूव नहीं कर रहा है। कैसे मूव नहीं कर रहा है सर? हम तो देखते हैं कि मूव करता है। अरे नहीं, न्यूटन इज टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास, लुक एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द फैन, इट इज नॉट मूविंग। इफ द बम एक्सप्लोड्स द फ्रैगमेंट विल फॉल इन डिफरेंट प्लेसेस इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ मास विल बी देयर वेयर इट वाज, ये ऐसे गिरेंगे टुकड़े टुकड़े कि हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास वहीं पे मिलेगा जहां पर बम रखा हुआ था। क्या बात समझ में आया? अगर हम कहेंगे कि कोई एक डंडा ऐसे रखा हुआ है, सपोज हियर ही इज ए डंडा एंड यू अप्लाई टू फोर्सेस ऑन इट, चलो एक फोर्स अप्लाई करते हैं कुछ ऐसे 10 न्यूटन का, दूसरा फोर्स अप्लाई करते हैं ऐसे 10 न्यूटन का। नाउ द नेट फोर्स ऑन दिस इज जीरो, बट विल इट बी एट रेस्ट? लॉ कहता है एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट। लेकिन ये तो घूमने लगेगा, तो क्या न्यूटन गलत बोले? नहीं, न्यूटन सही बोल रहे हैं, हम ही समझने में कुछ गड़बड़ कर दिए। ही इज टॉकिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यू विल सी दिस डंडा विल अपीयर टू रोटेट बट द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। क्या बात समझ में आया? सो एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव। खैर, न्यूटन्स लॉ का और आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा और भी एक चीज, छोटा सा पॉइंट बताना पड़ेगा, स्पेशल केस फॉर ए टू मास सिस्टम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आता है। फॉर ए टू मास सिस्टम, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे दो मास रखे हुए, एक मास ये है और दूसरे मास ये है, अगर ये मास M1 है और ये मास M2 है, तो दोनों का सेंटर मास कहीं ना कहीं तो है, ये सबको मालूम। क्या आप लोग गेस करके मुझे बता सकते हो कि अगर मैं ये जो M1 है इसको मैं क्या करता हूं, ये M1 है और M2 है, दोनों का सेंटर मास कहीं है, अगर मैं M1 को कुछ थोड़ा इधर को डिस्प्लेस करता हूं और मैं चाहता हूं कि सेंटर मास जहां था वहीं रहे, तो क्या मुझे गेस करके बता सकते हो M2 को मुझे किधर डिस्प्लेस करना चाहिए? ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, किधर को डिस्प्लेस करना चाहिए? राइट में, राइट में डिस्प्लेस करेंगे, M2 को इधर को डिस्प्लेस करेंगे, ये इधर गया, ये इधर गया, सेंटर मास जहां था वही रहेगा, पता चला दोनों ही निकल गया और सेंटर मास पीछे पड़ा है, ऐसे हो सकता है क्या? इट सीम्स यू आर नॉट इन्वॉल्विंग योरसेल्फ इन द क्लास। सपोज, चलो सोचने में और थोड़ा आपको मदद करते हैं। Suppose they are kept on a danda and danda is supported somewhere here. Suppose हम कहेंगे ये danda कुछ यहाँ पे ऐसे supported है। अब ये equilibrium में था। अगर मैं M1 को इधर को सरक दिया और मैं चाहता हूँ फिर भी ये danda equilibrium में रहे, तो M2 को किधर लाना पड़ेगा? Towards left और towards right? Left लेना पड़ेगा। ये समझ में आया? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों मासेस को मैं थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट इधर इधर को दिया और पता चला कि ये सिस्टम का सेंटर मास जहां था वही रहा। फॉर सच ए टू मास सिस्टम, सपोज इसको डिस्प्लेस किए हैं L1 और इसको डिस्प्लेस किए हैं L2, द सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। फॉर ए टू मास सिस्टम, M1 अगर हम कहेंगे M1 तो M1 है, M2, M2 तो M2 है, dx1 कितना हुआ है? L, L1, और dx2 कितना हुआ है? माइनस L2, फॉर नो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप होगे समेशन ऑफ mi dxi मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो आप होगे M1 इनटू L1 प्लस M2
इंटू माइनस एल टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब एम वन एल वन मस्ट बी इक्वल टू एम टू एल टू। ये चीजें बड़े काम के हैं और बड़े काम में लगेंगे। बोलेंगे कि सीसॉ का मशीन है, सीसॉ का ये अरेंजमेंट है और यहाँ पर 60 केजी का आदमी बैठा है, इधर 40 केजी का आदमी बैठा है एंड दिस बार इज हॉरिजॉन्टल। 60 केजी वाला अगर 4 सेंटीमीटर आगे गया तो 40 केजी वाले को कितना आगे आना पड़ेगा कि बार हॉरिजॉन्टल रहेगा। एम वन अगर एल वन गया, एम टू को एल टू जाना पड़ेगा, तब ये सिस्टम जैसे था वैसे बना रहेगा। सो यू मस्ट रिमेम्बर द रिलेशन फॉर ए टू मास सिस्टम टू कीप द सेंटर ऑफ मास बैलेंस्ड, द मासेस मस्ट बी मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस बाय एल वन एल टू सो दैट एम वन एल वन मस्ट बी इक्वल टू एम टू एल टू। क्या बातें समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है। रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पर कोई एक, जैसे मैं अभी देता हूँ, मान लो कि यहाँ पर कोई एक 60 केजी का आदमी बैठा हुआ है, इधर 40 केजी का आदमी बैठा हुआ है। नाउ एवरीवन विल आंसर राजेश एंड खुशी और सोशी दिस साइड। तो यहाँ पर एक 60 केजी का आदमी बैठा हुआ है, इधर एक 40 केजी का आदमी बैठा हुआ है। ओवरऑल क्वेश्चन है, आप अगर समझ में आता है तो आप कर लोगे। 60 केजी वाला आदमी क्या किया, ये बार हॉरिजॉन्टल था, वो इधर को सरक गया बाय 4 सेंटीमीटर। तो 40 केजी वाला आदमी को कितना सरकना पड़ेगा कि बार हॉरिजॉन्टल रहेगा? चलो बोलो कितना? 6 सेंटीमीटर। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है बिकॉज एन वन एल वन एल टू इक्वल टू एम टू एल टू। मैं इसीलिए बता रहा था कि इफ यू अंडरस्टैंड न्यूटन्स लॉ एंड सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट प्रॉपर्ली, मेनी क्वेश्चन आपको आसान से बन जाएगा। बाकी लोग कैसे करेंगे, इसका टॉर्क निकालेंगे, इसका टॉर्क निकालेंगे, इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। समझ में आया क्या? और अगर ये डिस्टेंस नहीं दिया गया तो और ही मुश्किल है। पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस के रेशियो ये मुख किया वो मुख किया, टॉर्क निकालो टॉर्क बैलेंस करो, तो तब तक क्वेश्चन तो बन जाएगा, तब तक एग्जाम खत्म हो गया होगा और खुशी खुशी घर आओगे कि हम एक क्वेश्चन कर लिए हैं। क्यों खुशी? क्या बातें समझ में आ रहा है? तो यहां से हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का शुरुआत करना पड़ेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिया हूं, क्या आप लोग अभी कंटिन्यू करना चाहोगे कि थोड़ा ब्रेक लेके फिर से शुरू हो जाए? अरे 2 घंटा हो गया, थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक ले लो, लेट अस हैव अ टी ब्रेक। मैं टी ले लेता हूँ, तुम लोग ब्रेक ले लो, ठीक है? फिर मिलेंगे इसके बाद फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।